ये अभी विंटर का सीजन है और आंवला का भी सीजन है, तो आंवला के बेनिफिट्स के बारे में हम सब जानते हैं। ये हमारे आईज के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, डाइजेशन पावर को बढ़ाता है। इसके अलावा ये विटामिन सी से रिच होने के कारण ये बॉडी में कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। जब भी हम आंवला को कोई भी आयरन रिच या कैल्शियम रिच फूड के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ये बॉडी में काफी अच्छे से आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जैसे आज मैं एक प्रिपरेशन ऐसे ही शेयर करने वाली हूँ आपके साथ जो ऐसे कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, तो ये एक मेडिसिन के तरफ काम करता है। जिनको भी एलर्जी का प्रॉब्लम है, जिनको एनीमिया है, जिन लेडीज को पीएमएस की प्रॉब्लम है, जो गर्ल्स को पेनफुल पीरियड होता है और जिन बच्चों को भूख नहीं लगता है, जिनको भी लो एनर्जी लेवल रहता है, उनके लिए काफी अच्छा है। ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। वी नीड 200 ग्राम ऑफ फ्रेश आंवला, 90 ग्राम जैगरी, 25 ग्राम शुगर, घी 15 ग्राम, पिंच ऑफ केसर, डेट्स, ब्लैक रेजिन्स, व्हाइट रेजिन्स, ब्लैक पेपर, क्लोव, सिनामम, इलायची, टर्मरिक, सॉल्ट। सबसे पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जैसे इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्ची का एक पाउडर बनाना है जो मैंने पहले से ही बना के रखा है। यहाँ पे मैं 100 ml जैसे वाटर यूज कर रही हूँ, 1 ग्राम सॉल्ट, 1 ग्राम टर्मरिक पाउडर। अभी कुकर को बंद करना है और हमें 3 सीटी के लिए वेट करना है। घी ऐसे मेल्ट हो जाए उसके बाद हमें आंवला को ऐड करना है विथ वाटर। अभी हमें क्या करना है, आंवला को छोटे छोटे पीसेस बनाना है और इसको क्रश करना है टू मेक अ पेस्ट। इस टाइम पे आप गैस को थोड़ा ज्यादा कर दीजिए फ्लेम को। अभी मैं ऐड करने वाली हूँ गुड़ जैगरी। यहाँ पे मैंने 90 ग्राम जैसा जैगरी यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसको मीठा नहीं बनाने वाली हूँ। इसमें मैं डेट्स, रेजिंस ये सारे चीज ऐड करने वाली हूँ जो अपना मीठा स्टोर होगा इसमें। और 25 ग्राम जितनी चीनी मैं ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पूरे गुड़ का ही बना सकते हैं। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ डेट्स जो मैं पहले से काट के रखी हूँ। सफेद किशमिश, ब्लैक किशमिश, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ डेट्स, रेजिन्स जो कि काफी आयरन रिच है और जैगरी भी।
इसमें मैं वो मसाला ऐड कर रही हूँ जो मैं बच्चों को मॉर्निंग में मिल्क के साथ दे सकते हैं। जिनको शुगर का क्रेविंग रहता है वो पोस्ट लंच या पोस्ट डिनर भी एक चम्मच जैसा ले सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है रात को दूध के साथ एक चम्मच ले सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पिंच ऑफ सैफ्रन या केसर, बट ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालो, अगर नहीं है घर पे तो मत डालो, क्योंकि केसर में काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन B6 होता है। तीन चार दिन सनलाइट में रख के फिर इसको साल कीजिए। हमारा पौष्टिक आमला ज्यादा होने के बाद आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो, पर इसका टेस्ट तभी ज्यादा अच्छा आएगा।